वालेकुम, आप देख रहे हैं कि एनएन न्यूज लाइव। मैं हूं माहम तारिक। मैं हूं रिदान मोल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहनुमा पीटीआई शिरीम जारी को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पंजाब की टीम शिरीम जारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। इफ्तिखार दुरानी का कहना है कि शिरीम जारी को कुछ देर कबल इनकी रहायशगाह के बाहर से उठा लिया गया। मर्द पुलिस अहलकारों ने मेरी माँ को मारा पीटा, गिरफ्तार कर लिया। शिरीम जारी की बेटी ईमान मुसारी का बयान, मुझे सिर्फ ये बताया गया कि एंटी करप्शन विंग लाहौर ने शिरीम जारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शिरीम जारी को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने गिरफ्तार किया है। पंजाब असेंबली का गैर मामूली इजलास कल 22 मई को तलब कर लिया गया है। स्पीकर परवेज इलाही ने आईनी इख्तियारात के तहत इजलास की तारीख तब्दील की है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खतरा है। हुकूमत ने आईएमएफ को पीर से पहले बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी पर यकीन दहानी करा दी। दोहा में जारी मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ को बताया गया है कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी एकदम खत्म करने की बजाय किस्त वार पर खत्म की जाएगी। आईजी इस्लामाबाद एसएन यूनुस को तब्दील कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डॉक्टर अकबर नासिर खान नए आईजी इस्लामाबाद होंगे। ग्रेड 19 के सुहेल जफर चट्ठा की खिदमात वफाक के सपुर्द कर दी गई। ग्रेड 19 के ऑफिसर यासिर अफरीदी की खिदमात भी वफाक के सपुर्द कर दी गई है। एसएन यूनुस की खिदमात पंजाब के हवाले कर दी गई। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल को भी तब्दील कर दिया गया और इनकी खिदमात भी पंजाब के हवाले कर दी गई। इलेक्शन के लिए तैयारी करके बैठे हैं। इलेक्शन में आए फिर देखते हैं क्या होता है। लंदन में नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगु, कहा तमाम आदुआर में नून लीग हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन रही है। अगर मुवाजना और मुकाबला करें मुस्लिम लीग किसी भी दौर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग का दौर नंबर वन रहा है। तो मुस्लिम लीग माशाल्लाह ज़रूर अल्लाह की फजलत रखती है और कैपेसिटी रखती है और माशाल्लाह ये ताकत रखती है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पे वापस आए। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत और कुर्बानी दरकार होगी। हम तो तैयार पहले से तैयार हैं। आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए हैं, आपने देखा है, वो इमरान का दौर था तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। खबरों में फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें कि एनएन न्यूज़ लाइव।